न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास एक आतंकी ने ट्रक से कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। पीएम मोदी ने मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर, वो अपने दादा फिरोज गांधी के गांव भरूच से नवसृजन यात्रा की शुरुआत करेंगे। वो इसके लिए वडोदरा पहुंच चुके हैं। मुंबई के 3 दिवसीय मॉरिशस दौरे के लिए रवाना हुए सीएम योगी, मॉरिशस से 183वें इंडियन अराइवल डे पर बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। रेल मंत्रालय आज जारी करेगा ट्रेनों का नया टाइम टेबल। कई ट्रेनों को सुपरफास्ट कैटेगरी में डालने की तैयारी, 50 ट्रेनों को सुपरफास्ट बनाकर 100 करोड़ रुपए की कमाई करने का लक्ष्य। फतेहपुर में स्वेस जोड़े की पिटाई के बाद मरहम के तौर पर उन्हें 5 सितारा होटल में 2 रात मुफ्त ठहरने की पेशकश की गई है। होटल में रहने का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज पहला T20 मैच खेला जाएगा। शाम 7 बजे से दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में यह मुकाबला होगा। लखनऊ में निकाय चुनाव को लेकर होगी बीजेपी की बैठक, प्रत्याशियों के टिकट को लेकर होगा मंथन। शाम को बीजेपी जारी कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। एटा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। यहां प्रसव के दौरान हुई लापरवाही के प्रसूता और नवजात की मौत हो गई। फिलहाल डॉक्टर अपनी लापरवाही की बातों से नकार कर रहे हैं। लखनऊ के थाना गुडम्बा पुलिस और चाइल्ड लाइन ने वृद्धा आश्रम से गायब लड़की को बरामद कर लिया है। लड़की का कहना था कि आश्रम की संचालिका उससे काम करवाती थी, पैसे कमाती थी और उसका पति भी उसे छेड़ता था। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में मां ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। मोहल्ले के प्रेमी के साथ फरार चल रही युवती अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी। ऐसे में युवती की मां ने उसे किसी तरह पकड़ लिया और गला दबाकर हत्या कर दी। लखनऊ में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के पीछे नहर में एक अज्ञात किशोरी का शव बरामद हुआ है। लोगों ने शव को देखने के बाद पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला। किशोरी के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। मथुरा के वृंदावन बांके बिहारी मंदिर परिसर में 2 श्रद्धालुओं के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां रात के लगभग 8 बजे एक युवक से कुछ लोग मारपीट करने लगे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस बीच बचाव करने की जगह देखती रही। कानपुर में 22 लाख रुपयों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। किदवई नगर पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर रुपयों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ से पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने जयपुर नगर निगम में राष्ट्रगान की पहल का स्वागत किया है। शकुंतला भारती ने कहा है कि मैं उस सोच को प्रणाम करती हूं जिसने ये शुरुआत की। कुशीनगर में प्राथमिक स्कूल के बच्चे बिना प्रश्न पत्र के ही परीक्षा दे रहे हैं। विद्यालय में तैनात शिक्षकों ने प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने का हवाला दिया, तो वहीं प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। मेरठ में यूपी के नगर पंचायत मंत्री सुरेश पासी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे। मंत्री सुरेश पासी ने निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सोनभद्र में पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बुजुर्ग की हत्या केवल इसलिए की थी क्योंकि उसने मुर्गा चुराने आए आरोपियों को पहचान लिया था। मदरसों में एनसीईआरटी की किताबों को लागू करने को लेकर जहां एक तरफ कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं मदरसों में पढ़ने वाले कई छात्रों के अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। मेरठ पहुंचे राज्यपाल राम नाईक ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राज्यपाल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को पहले से बेहतर बताया।